जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 खगड़िया जिला होमगार्ड फिजिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि सभी कैंडिडेट को यह जानकारी जानना बेहद जरूरी है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक बहुत कम समय में। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको खगड़िया जिला होमगार्ड फिजिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाते हैं। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, वो भी जानकारी इसी वीडियो में प्रॉपर करके आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिलेगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से खगड़िया जिला का होम पेज आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम गार्ड रिक्रूटमेंट फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। नीचे और स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर पेज ओपन होकर आ गया, जो कि बिहार गृह रक्षक वाहिनी खगड़िया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम है यानी जिला का नेम है, यहाँ पर आपका ब्लॉक का नाम है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सभी ब्लॉक आ गया, आपका जो भी ब्लॉक है सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पावती संख्या डालना है और यहाँ पर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि और यह रिपोर्ट पर आपको यस कर देना है इस प्रकार से, और डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर पावती संख्या मांगा गया है, तो दोस्तों जिसके पास पावती रसीद है वह कैंडिडेट तो एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उनके पास पावती है, आधार है और फोटो है, तो वह जाकर फिजिकल में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर के बहुत बड़ा गलती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा गलती हुआ है। 11 साल बाद भर्ती हो रहा है तो यह पावती किसी के पास है या नहीं है, इस पर सोच विचार नहीं किया गया है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अगर जिसके पास पावती संख्या नहीं है वह तो फिजिकल में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, यह सिंपल सा बात है, आप भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों सरकार से हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार, अगर आप इंसानियत के नाता से एक बार आप सोचिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जिसके पास पावती नहीं है वह कैसे भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं? अगर उनका पावती होता तो पावती संख्या उनको मालूम होता, जिसके पास पावती नहीं है उनके पास पावती संख्या मालूम नहीं है, वह फिजिकल में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा परेशानी का सामना कैंडिडेट को करना पड़ रहा है, क्योंकि 2011 में भर्ती निकाली गई थी, 2022 चल रहा है, लगभग 11 साल हो गया, जो कि फिजिकल उतना फिटनेस नहीं है कोई कैंडिडेट, जो कि समय भी ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, जो कि अभी 6 मिनट के 6 मिनट रनिंग यहाँ पर देख लीजिए, औरंगाबाद में अभी रनिंग हुआ, जो कि 50 कैंडिडेट को छोड़ा जा रहा था दौड़ के लिए, जिसमें एक कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, वो भी आते आते लास्ट में अनफिट हो जा रहे हैं, क्योंकि इतना हाई जंप है, इतना रनिंग है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जिसको रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। माइनर में एक दो गो ऐसा कैंडिडेट होंगे जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं, और बहुत सारा कैंडिडेट छट जा रहे हैं। तो इस पर सरकार के सोचना चाहिए कि इतना देर के बाद मैं भर्ती शुरू किया, क्या सभी कैंडिडेट फिट होंगे, तो इस पर विचार करना चाहिए, और समय सभी कैंडिडेट को कुछ ज़्यादा देना चाहिए, यानी अगर आप 7 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो 6.5 मिनट तो ज़रूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आप अपने ज़िले के अधिकारी साहब जो लोग हैं, एसपी साहब डीएम साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों का यही काम है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो दोस्तों भगवान पर भरोसा रखते हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो भी मेरे साथ होता है सब भगवान के ही आपको हाथ में है, कोई हमें नहीं नौकरी दिला सकता है, नहीं हमें कोई मदद भी
कर सकता है। तो आप लोग एक बार इस पर सोच विचारिए। यही थी जानकारी कि आप सभी को ज़्यादा समय मिले और ज़्यादा आपको इस भर्ती में सहूलियत किया जाए, क्योंकि 11 साल बाद भर्ती हो रहा है। तो हम लोग का इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है सरकार की गलती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या जाने कि भर्ती कब होगी कब नहीं होगी, यह तो भगवान भरोसे ही सब कुछ हो रहा है। तो यही थी जानकारी, अगला वीडियो में मिलते हैं। कोई भी जानकारी हमसे लेना है तो कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ जय हिंद, नमस्कार।